गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जैसे सूर्य जब सुबह उदय होता है तो फूल खिलते हैं, और फूलों में जो छुपी हुई सुगंध होती है, जो गंध होती है, वो मुक्त हो जाती है, वो चारों दिशाओं में फैलने लग जाती है। सूर्य सिर्फ सहयोगी हो जाता है, आश्वासन दे देता है, उसकी मौजूदगी में जो भीतर छुपा हुआ था बस वो मुक्त हो गया। उसी प्रकार से सद्गुरु की मौजूदगी में जो हमारे भीतर की शांति है, हमारे भीतर का जो आनंद है, जो हमारे भीतर के सद्गुण हैं, वो प्रकट होने लग जाते हैं। हमारे अंदर की कली खिल जाती है, हमारे अंदर से सुगंध आने लगती है। रजब एक पठान परंतु एक बहुत अच्छा शिष्य जब दादू की शरण में आया, जब अपने गुरु की शरण में आया, तो पूरी तरह से गुरु का ही हो गया। गुरु की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में उसके भीतर की कली खिल गई। उसके भीतर जो कुछ छुपा हुआ था, जो जन्मों जन्मों से अर्जित था, वो सारे पुण्य उदित होने लग गए। उसका जीवन ही बदल गया, और इतना प्रेम अपने सद्गुरु से हो गया कि जब सद्गुरु नहीं रहे तो रज्जब ने अपनी आँखें ही बंद कर लीं, और उसने कहा जो देखने योग्य था वो तो सब मैंने देख लिया, देखने योग्य तो मेरे गुरु ही थे। उसके बाद उसने कभी अपनी आँख नहीं खोली, अंधे की भांति अपने जीवन को चलाता चला गया। लेकिन अपने गुरु के प्रति समर्पित, ये जो समर्पण है यही जीत दिलाता है। ये जो हर समय एक ही की याद रहती है, एक ही परमात्मा की, एक ही गुरु की, और हर समय उसी के सानिध्य में कार्य होता है, हर कर्म फिर पूजा बन जाता है।